إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أَجِبُوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़क़ा दफाउा नाज़ीम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रबुलामीन के लिए लायक और जेबा है और दरुदोसलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आख़री नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ी सल्ह वसलम पर मोहतरम हाजरीन अल्लाह ताली ने हम सब को पैदा किया और अल्लाह ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक फरमाया वमा खलकन्ना वलनसबदून हमने तमाम इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया इबादत का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ें अल्लाह के सामने सर झुकाएँ अल्लाह के सामने अपनी आजजी और इनकसारी का इजहार करें इबादत और बंदगी का सबसे बेहतर तरीका नमाज है लेकिन नमाज में हम कितनी दिलचस्पी रखते हैं हमारी नमाजों का क्या हाल है यह हम अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता है वो नमाज ही नहीं पढ़ता है कभी मौका मिला तो जुमा की नमाज पढ़ लिया ईदैन की नमाज़ पढ़ लिया और ये समझता है कि जुमा की नमाज पढ़ लेना और ईदैन की नमाज़ पढ़ लेना ये मुसलमान होने के लिए काफ़ी है क्या ये दुरुस्त है क्या ये सही है हम में से हर शख्स सोचे क्या सिर्फ़ जुमा की नमाज़ पढ़ लेना और ईदैन की नमाज़ पढ़ लेना मुसलमान होने के लिए इतना काफ़ी है अगर हमारे दरमियान कोई शख्स ऐसा है जो सिर्फ़ जुमा की नमाज़ पढ़ लेता है या ईदैन की नमाज़ पढ़ लेता है तो वो फौरी तौर पर तोबा करें इसलिए कि नमाज़ों का मुसलसल छोड़ने वाला हकीकी मानों में मुसलमान नहीं है बल्कि अल्लाह तबार व तआला ने मुशरिकीन में उसका शुमार किया है अल्लाह ताला ने फरमायाकी वला तकूनु मिनल उमिनमशरक नमाज़ क़ायम करो मुशरिकों में से मत हो जाओ नमाज कायम ना करने वाला मुसलसल नमाज छोड़ने वाला ये मुशरिकीन में से है कुरानी मस्जिद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जन्नती लोग जब जन्नत में चले जहां नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, तो जहन्नम में कुछ शनासा चेहरे होंगे जिनको देख कर लोग करेंगे कि ये कैसे जहन्नम में आ गए उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम जहन्नम में कैसे आ गए माशाला का फी सकर तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाल दिया कालू लम नकुमिनमसलिन वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे हम नमाजियों में से नहीं थे अगर हमारे दरमियान कोई शख्स बैठा है जो अभी तक नमाज़ों का अहतमाम नहीं करता था आज तोबा कर ले और आज से नमाज़ों का अहतमाम शुरू कर दे इसलिए कि नमाज ना पढ़ने वाला हकीकी तौर पर मुसलमान नहीं है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरक सला का मत्म मिदन फ़कत कफ़र जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र का काम किया और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन और एक काफिर बंदे के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है अगर नमाज ही नहीं है तो फ़र्क क्या रह गया एक मोमिन और एक काफिर में इसलिए मेरे भाइयों नमाज़ों का अहतमाम करो बेनमाज़ी का अंजाम बहुत बुरा है तो एक तो ये है कि कुछ लोग नमाजी नहीं पढ़ते हैं जिनका अंजाम मैंने आपके सामने बयान किया लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कच्चे नमाजी हैं कभी पढ़ लेते हैं कभी छोड़ देते हैं सुस्ती काहली ये भी सही नहीं है सुस्ती और काहली के साथ नमाज़ पढ़ने वाला कभी कभी नमाज पढ़ने वाला दिल में आए तो पढ़ लेने वाला दिल में आए तो छोड़ देने वाला ये भी हकीकी मानों में मुसलमान नहीं है अल्लाह तबार को तला ने फरमाया वुल्लमसलिन हम अनसलाति हिमसाहन तबाही और बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं कब्जी में आया पढ़ लिया कब में आया छोड़ दिया हमारे दरमियान ऐसे मुसलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है कभी कभी नमाज पढ़ लेते हैं कभी कभी छोड़ देते हैं नहीं नमाज का अहतमाम करना है नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है अगर आदमी बीमार है मस्जिद नहीं आ सकता है तो अपने चारपाई पर लेटे हुए नमाज पढ़ ले खड़े नहीं हो सकता है बैठ कर नमाज पढ़ ले बैठ नहीं सकता है, है। लेटे हुए नमाज पढ़ ले वजू नहीं कर सकता है तैय कर ले लेकिन नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है बाज़ लोग सुस्ती और काहली करते हैं जमात का अहतमाम नहीं करते हैं वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि वक्त टाल करके नमाज पढ़ना जमात छोड़ कर नमाज पढ़ना यह भी दुरुस्त नहीं है अल्लाह ताला ने फरमाया इन सला तका नोमिनी न किताब मौकूता नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है वक्त पर नमाज पढ़ना फ़जर की नमाज़ का वक्त है जहर की नमाज़ का वक्त है असर मगरी बेशा की, की नमाज़ों का वक्त है उसी वक्त पर नमाज़ पढ़ना ही अल्लाह का हुक्म है जब जी में आया पढ़ लिया जब मौका मिला पढ़ लिया ऐसी नमाज को अल्लाह अल्लाह के ऐसी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमें चाहिए कि वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ाएँ जमात की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ें मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें हम और आप सोचें कि आखिर ये मस्जिदें क्यों बनाई जाती हैं करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं अगर हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक नमाज अपने घरों में पढ़ ले तो मस्जिदों की क्या जरूरत है या मस्जिद में ही आकर के नमाज पढ़े जमात की ज़रूरत नहीं है तो फिर इमाम रखने की क्या ज़रूरत है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबूई की बुनियाद रखी मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी उसका मकसद ये था कि एक आदमी अजान दे लोगों को इतला दे ताकि मालूम हो जाए कि नमाज का वक्त हो गया है और तमाम के तमाम मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा हो जाए एक इमाम के पीछे इज्तमीत के साथ नमाज पढ़ें यह मकसद है वरना मस्जिदें बनाने का कोई मकसद नहीं है इजतमाहीत के साथ नमाज पढ़ना सब मिल कर नमाज पढ़ना एक इमाम की इतदा करना ये अल्लाह को पसंद है आज बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त टाल कर पढ़ते हैं जमात छोड़ कर पढ़ते हैं उनको अपनी असलाह करने की ज़रूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये तनहा नमाज पढ़ने से सत्ताईस गुना ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग मस्जिदों में नहीं आते हैं हालांकि अजान सुनते हैं हालांकि उनको वक्त मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के मुतालिक फ़रमाया जो अज़ान की आवाज़ सुनते हैं और बग़ैर उज़्र के अपनी दुकानों में अपनी मकानों में अपनी ऑफिसों में चाय के होटलों में नुक्कड़ों और चौराहों पर बैठ के अपना वक्त ज़ाय कर देते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया मन समा जिस शख्स ने अज़ान की आवाज़ को सुनी फ़लम या ही लेकिन मस्जिद में नहीं आया फ़ला सला तल्लाजरन तो बगैर उज्र के उसकी नमाज़ कबूल नहीं की जाएगी अजान सुनने के बावजूद भी अगर कोई मस्जिद में नहीं आता है घर से वो नमाज पढ़ता है अपनी अपने घर में पढ़ लिया अपने ऑफिस में पढ़ लिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी नमाज नहीं होगी घरों में नमाज पढ़ने वालों मसला ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं मसला यह है कि आपकी नमाज हो रही है कि नहीं अगर ऐसे ही होता हर आदमी अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लेता तो मस्जिदों की जरूरत नहीं थी मोजिन की जरूरत नहीं थी इमाम की जरूरत नहीं थी बगैर उजर के अपने घरों में नमाज पढ़ने वाला मस्जिदों में ना आने वाला प्यारे नबी ने फरमाया कि उसकी नमाज नहीं होती ये नबी का हुक्म है और उज्र क्या है ये भी सुन लीजिए कोई आदमी इतना ज़्यादा बीमार है कि वो मस्जिद तक नहीं आ सकता आम बीमारी नहीं बीमारी इस कदर है कि वो मस्जिद तक आ ही नहीं सकता है तो ये उज्र है बारिश बहुत तेज हो रही है मस्जिद तक पहुंचना मुश्किल है ये उज्र है शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है बाहर नहीं निकल सकते हैं ये उज़्र है बीमारियों की वजह से ऐलान कर दिया गया है कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ने जैसा कि माजी करीब में हुआ यह उज्र है इस उज्र के बगैर अगर कोई नमाज अपने घरों में पढ़ता है तो वो सुन ले कि उसकी नमाज नहीं होती है प्यारे नबी ससरों ने फरमाया मन मनसमदा जिसने आजान की आवाज को सुना फलम या लेकिन मस्जिद में नहीं आया फला सला तल्ला बगैर उजर के वो मस्जिद में नहीं आया है तो वो जान ले कि उसकी नमाज नहीं होगी मशहूर हदीस है सहाबी रसूल अब्दुल्लाबन उमतुम नाबीना सहाबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी से से इजाज़त मांगी कहा अल्लाह के रसूल में ना, ना हूँ मेरी आँखों से दिखाई नहीं देता है मेरी रहबरी करने वाला कोई नहीं है जो मुझे मस्जिद तक पहुँचा दे आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप इजाज़त दें तो मैं अपने घर में नमाज़ नबी ने इरादा किया कि उनको इजाजत दे दें लेकिन फिर आपने पूछा हल क्या तुम अजान की आवाज सुनते हो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया तो मस्जिद में आना वाजिब है नाबीना शख्स जिनके आंखों से दिखाई नहीं देता है आज हमारी आंखें सही हैं हमारे हाथ पैर सही हैं रास्ते अमन हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं हम चल कर आ सकते हैं मोहल्ले महल्ले में मस्जिदें बनी हुई हैं इसके बावजूद भी अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ ले रहा है ये सोच करके कि हम तो नमाज पढ़ ले रहे हैं मसला ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं मसला यह है कि आपकी नमाज कबूल हुई कि नहीं नाबीना सहाबी को हमारे नबी ने इजाजत नहीं दी वो बीमारी कोरोना का बहाना बना करके आज एक बड़ी तादाद है जो अभी तक अपने घरों में बैठी हुई है मेरे भाइयों वो सुन ले बगैर उज्र के घरों में नमाज पढ़ने वाला उसकी नमाज नहीं होती सही मुस्लिम की एक और हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए इबादत के तरीके मुतन किए हैं और उन इबादत के तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये है कि जिस मस्जिद में अज़ान होती हो उस मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने इस तरीक़े पर अमल किया उसने नबी की सुन्नत को अपनाया और जिसने अजान सुनने के बावजूद भी मस्जिद में दाखिल नहीं होकर के हाजिरी नहीं दी अपने घर में नमाज पढ़ा या अपनी ऑफिसों में नमाज पढ़ा जैसा कि फला शख्स करता है हमारे नबी ने फरमाया उसने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया और सुन लो जो नबी की सुन्नत को छोड़ देता है वो गुमराह हो जाता जो नबी की सुन्नत को छोड़ देता है वो गुमराह हो जाता है मस्जिदों में ना आने वाला गुमराही के रास्ते पर जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ हम सब के आका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि जो शख्स मस्जिद को छोड़कर अपने घरों में नमाज पढ़ रहा है वो नबी के तरीके को छोड़ रहा है और जो नबी के तरीक़े को छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन पर ईशा की नमाज और फजर की नमाज़ बहुत मुश्किल है अल्लाह के नबी नबीम के ज़माने में मुनाफिक भी नमाज़ पढ़ते थे ताकि उनका निफाक लोगों पर जाहिर ना हो जाए लेकिन जब मौका मिलता था सुस्ती करते थे ईशा और फजर की नमाज़ उनके लिए बहुत मुश्किल था ईशा की नमाज़ गफलत का वक्त रहता है और फजर की नमाज़ सोने का वक्त रहता है इसलिए मुनाफिकीन ईशा और फजर की नमाज में नहीं आते थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन पर सबसे भारी सबसे मुश्किल ईशा और फजर की नमाज है अगर उनको मालूम हो जाता कि इन दोनों नमाजों में कितनी फजीलत है तो वो ज़रूर मस्जिद आते अगरचे उनको घुटनों के बल चल कर आना पड़ता मालूम ये हुआ कि ऐशा की नमाज और फजर की नमाज खूसी तौर पर चूंकि ऐशा की नमाज ये आदमी की मशगूलियत से फारिग होने के बाद थकान का वक्त खाने पीने का वक्त रहता है और आदमी थकान की वजह से ऐशा की नमाज छोड़ देता है फजर की नमाज गफलत में सोया रहता है मीठी नींद में पड़ा रहता है छोड़ देता है जमात का अहतमाम नहीं करता है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि ऐशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने का स्वाब क्या है वो जरूर मस्जिद में आएंगे चाहे उनको घुटनों के बल चल कर आना पड़े साहब कलाम कहते हैं हमारे जमाने में हम मुनाफिकीन को पहचान जाते थे कि कौन कौन लोग मुनाफिक हैं पहचान क्या थी मस्जिदों में वो बहुत कम हाज़िरी देते थे दो लोग थे जो मस्जिदों में बहुत कम हाज़िरी देते थे एक मुनाफिकीन और दूसरे बीमार लेकिन मुनाफिकीन के बारे में हमको मालूम हो जाता क्यों वो सेहतमंद होने के बावजूद भी मस्जिद में नहीं आते थे जबकि बीमारों का हाल ये होता था साहबा कहते हैं हम देखते थे एक बीमार आदमी दो आदमियों का सहारा लेकर के चल नहीं सकता था दो आदमियों की बैसाखी बना करके मस्जिद में पहुंचता था और अपने असलाफ की तारीख पढ़ो हमारे असलाफ में बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनके पैरों ने जवाब दे दिया था लेकिन फिर भी दूसरों का सहारा लेकर के कोई लाठी का सहारा लेकर के कोई अपनी औलाद का सहारा लेकर के नमाज के लिए मस्जिद में जरूर पहुंचते थे आज एक बड़ी तादाद है जो अपने आप को मस्जिदों से दूर कर ली है और मस्जिदों में आना वो ज़रूरी नहीं समझते हैं इसलिए मेरे भाइयों अगर कोई शख्स ऐसा है जो जमात की पाबंदी नहीं करता है तो आज से वो तोबा कर ले और मस्जिद में आ कर के जमात की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करे इसलिए कि इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुलजमाती अफजल दर्जा जमात के साथ नमाज पढ़ना तना नमाज पढ़ने से सत्ताईस गुना ज्यादा सवाब है और बाज रवायतों में पच्चीस है हदीसों में कोई टकराव नहीं है आदमी की अपनी नीयत और खुशु खुशू की बुनियाद पर किसी को पच्चीस गुना ज्यादा मिलता है किसी को सत्ताईस गुना ज्यादा मिलता है इसलिए हमें चाहिए कि हम वक्त पर मस्जिद में पहुँचें और जमात के साथ इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं जोहर की नमाज एक बजे है अब वो एक बजे अपने घर से निकलते हैं नतीजा क्या होता है एक रकात छूट गई कभी दो रकात छूट गई कभी रकातें छूट गई आखिर में पहुंचे नहीं मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त से पहले आओ जमात खड़ी होने से पहले पहुंचो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी शख्स अगर चालीस दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है तकबीर उला का मतलब क्या है जब इमाम पहली मरतबा कहता है अकबर जमात खड़ी होती है चालीस दिन तक अगर कोई शख्स तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है कंटिन्यू कोई नमाज नहीं छोड़ता है प्यारे नबी ने फरमाया कुबत लहू, बरा, लहू बरातान बरा तुम नार बरा तुम मिनाफ तो उसके लिए दो बरातें लिख दी जाती हैं पहली बात तो यह है कि वो जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया और दूसरी बात यह है कि वो मुनाफिक नहीं हो सकता है चालीस दिन तक तकबीर उला की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं कि चालीस दिन तक हमने जमात की पाबंदी के साथ तकबीर उला से नमाज पढ़ ली अब हम मुनाफिक नहीं हो सकते हैं जन्नत में चले जाएंगे अगर ये सोच करके चालीस दिन तक नमाज़ पढ़ी और उसके बाद छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है चालीस दिन तक जमातों की पाबंदी करना तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना ये इसलिए है ताकि आदमी को जमात पकड़ने की आदत हो जाए ताकि आदमी को जमात की मोहब्बत पैदा हो जाए चालीस दिन तक मेहनत करने के बाद जब दिन छोड़ देना उसकी मिसाल ऐसी ही है रात भर मैं पिए सुबह दम तोबा कर ली रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई मेरे भाइयों चालीस दिन मुसलसल तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने का मतलब यह है कि आदमी अब पक्का नमाजी हो गया बहुत सारे लोग वक्त से पहले आते हैं वो ये ना समझें कि वक्त से पहले आना ये उनके लिए ज्या वक्त है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स जमात पकड़ने के लिए जमात से नमाज पढ़ने के लिए वक्त से पहले आया मस्जिद में आया सुन्नत पढ़ा नवाफिल पढ़ा बैठा हुआ है अभी जब तक जमात खड़ी नहीं होती है ये जो वक्त वो बैठा हुआ है जमात के इंतजार में हमारे नबी ने फरमाया उसका पूरा वक्त ये जमात के साथ नमाज पढ़ने में शुमार किया जाएगा यही वजह है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लास फरमाया कि जब तुम देखो जमात खड़ी हो गई है तो तुम दौड़ते हुए मत आओ इसलिए कि तुम नमाज में हो चुके हो तुम नमाज में हो चुके हो बास लोगों को देखा गया है जमात पकड़ने के लिए इमाम रुकू में ना चला जाए रुकू मिल गया तो दौड़ करके जाते हैं अल्लाह के नबी सर ने सख्ती के साथ मना किया है कि तुम दौड़ते हुए नमाज में मत जाओ इसलिए कि तुम नमाज की हालत में हो आराम से जाओ मामूली चाल चल कर जाओ जो मिले वो पढ़ लो जो छूट जाए उसको दोहरा लो हम में से कोई भी शख्स अगर ये गलती करता था जमात को पकड़ने के लिए दौड़ता था तो वो इस्लाह कर ले दौड़ करके तेज़ी के साथ चलकर जमात पकड़ना ये सही नहीं है हमारे नबी ने इससे मना फरमाया है तो नमाज के लिए इंतज़ार में बैठने वाला वो नमाज़ में ही शुमार किया जाएगा इसी तरीके से जो शख्स एक नमाज पढ़ के निकलता है और वो अपने कारोबार को समेट करके दूसरी जमात की दूसरी नमाज की फिक्र करता है कि ऐसा ना हो जमात छूट जाए ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं आप जुमा की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे या जोहर की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे और आप ये सोचें कि असर की नमाज़ में हमको पहुंचना है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया ये तस्वर जहन में ये बात रखना ये फिक्र करना ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है आप ने फरमाया सात किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कयामत के दिन मैदान महशर में अपने अर्श के साये में जगा देगा जिस दिन अल्लाह के साय के अलावा कोई साया नहीं होगा सूरज बिल्कुल करीब होगा जमीन तप रही होगी लोग पसीनों में डूबे होंगे हर एक को सा की तलाश होगी सात खुश नसीब किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साय में जगा देगा जिसमें से एक वो खुश नसीब होगा जो एक नमाज पढ़कर निकलता है और दूसरी नमाज की फिक्र उसको लगी रहती है रजुल फिल मसाजिद वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है मस्जिद में लगा रहने का क्या मतलब हमारी नमाज ना छूट जाए हमारी जमात ना छूट जाए तो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फ़िक्र करने वाला अरश इलाही का मुस्क होगा जो यकीनन बड़ी खुशकिस्मती की बात है इसी तरीके से बेहतर ये है कि जब भी हम नमाज़ के लिए निकलें अपने घर से बावज़ू होकर के निकलें मस्जिदों में वजू खाना रहेगा इसलिए कि बहुत सारे मुसाफिर रहते हैं जो घर से नहीं सफ़र में हैं उनके लिए वज़ू का इंतज़ाम होना चाहिए मस्जिदों में बाहर स्तंजा खाने और ज़रूरियात से फारिग होने की सहूलत रहेगी इसलिए कि मुसाफरीन को उसकी ज़रूरत है लेकिन जो यहीं के हैं मकामी लोग हैं अफजल ये है कि वो अपने घर से वजू करके आएं इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद में वज़ू नहीं कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद के बैतलखला और इसजा खाना को इस्तेमाल नहीं कर सकते कर सकते हैं जायज़ है लेकिन अफजल ये है कि आप बावज़ू हो के आएँ अफजल यह है कि आप घर से वजू करके आए उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है सवाब भी बहुत ज्यादा है अल्लाह के नबी सस्रम फरमाते हैं जो शख्स अपने घर में सही तरीके से वजू करता है सुन्नत के मुताबिक वजू करता है फिर वो मस्जिद में मस्जिद के लिए निकलता है मस्जिद के इरादे से निकलता है ताकि मस्जिद में जाकर के जमात की पाबंदी के साथ नमाज पढ़े वजू करके निकलता है मस्जिद के इरादे से निकलता है नमाज पढ़ने का इरादा है हमारे नबी ने फरमाया एक कदम पर एक नेकी मिलती है एक कदम पर एक गुनाह माफ होता है एक कदम पर एक दर्जा बुलंद होता है अगर आप घर से वजू करके निकल रहे हैं सोचें कितनी फजीलत मिल जाएगी और इंसान कितनी नेकियां इकट्ठा कर, कर लेगा मेरे भाइयों यहीं से ये बात भी मालूम हुई कि जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि हमारे घर से मस्जिद दूर है वो ये बहाना ना बनाएं जिनका घर मस्जिद से दूर है उनके लिए सवाब भी ज्यादा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई कि जब लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद में आते हैं तो उनके कदम अल्लाह के यहां शुमार किए जाते हैं बहुत सारे साहबा जो मस्जिद के इर्द गिर्द में आबाद थे जब ये हदीस सुनी तो वो साहबा मस्जिद से दूर जाकर आबाद हो गए ताकि वो चल करके आए और उनको सवाब ज्यादा मिले और आज हम ये सोचते हैं दूर है नहीं जाएंगे ये भी सुन लीजिए मस्जिद में चलकर आना अफजल है सवारी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपके घर से मस्जिद की मुसाफत इतनी है कि आप चलकर जा सकते हैं पैदल आए यह अफजल है ये बेहतर है ये ज्यादा सवाब का सबब है क्योंकि नबी ने कदम का लफ्ज इस्तेमाल किया है कदम उठेंगे अल्लाह के रास्ते में सवाब ज्यादा मिलेगा और वह हदीस भी हम सुन लें

जो मदीने से दूर आबादी से दूर आबाद थे और वह हर नमाज के लिए मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे सख्त सर्दी हो गर्मी हो बारिश के दिन हो लेकिन मस्जिद में ही आकर नमाज पढ़ते थे कुछ सहाबा ने उनसे कहा कि आपका घर मस्जिद से दूर है गर्मियों में सर्दियों में बारिश में आप चलकर आते हैं क्यों नहीं एक सवारी का इंतजाम कर लेते सहाबी ने क्या जवाब दिया अगर मैं सवारी का इंतजाम कर लूँ बहुत सारी मुसीबतों से बच जाऊंगा लेकिन सवाब कम हो जाएगा सवाब कम हो जाएगा इसलिए जिनका घर मस्जिद से करीब है वाकेबल डिस्टेंस चल कर आ सकते हैं उनको चाहिए कि इस पर अमल करें इसमें बहुत सारे फायदे हैं नेकियां भी ज्यादा मिलती हैं सेहत भी अच्छी रहती है तो पैदल चलने की कोशिश करें जहां तक मुमकिन हो लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सवारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लेकिन अफजल है कि पैदल चलें इसी तरीके से अगर कोई शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है इमाम के पीछे पढ़ता है और उसके बाद ईशा की नमाज पढ़कर चला गया घर में गया सो गया फिर वो सुबह तक सोता रहा फिर वो फजर की नमाज के लिए उठा फिर फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आया ईशा की नमाज भी जमात से पढ़ा फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ा हमारे नबी ने फरमाया पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है आपने तहजद नहीं पढ़ा लेकिन सवाब मिल गया ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाला इमाम के साथ पढ़ने वाला मस्जिद में पढ़ने वाला इमाम के साथ ईशा की नमाज जमात से पढ़कर निकलता है घर में गया सो गया फिर फजर की नमाज के लिए दोबारा मस्जिद में आया फजर की नमाज भी जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईशा और फजर दोनों नमाज़ों को जमात से पढ़ने वाला पूरी रात नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा तहजद हमने नहीं पढ़ी लेकिन सवाब हमको पूरा मिल गया यह है जमात की फजीलत यह है जमात की अहमियत इसी तरीके से हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमारी हर नमाज जमात के साथ हो हर नमाज जमात के साथ हो मस्जिद में हो अवल वक्त में हो खूस फजर की नमाज और असर की नमाज तमाम नमाजों की पाबंदी करनी है उन तमाम नमाजों में भी ज़्यादा अहमियत फ़जर और असर को है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर की बड़ी फजीलत बताई है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानी मजीद में भी फ़जर की और असर की अहमियत को उजागर किया है हमारे नबी ने फरमाया मन सल्लल बरदैन ने दखल जन्ना जो दो ठंडी नमाजें पढ़ता है वो कहाँ जाएगा जन्नत में जाएगा जो ठंडी नमाजों से मुराद क्या है फ़जर की नमाज और असर की नमाज फजर और असर की नमाज को जो अहमियत दी गई इसके बहुत सारे मकासद हैं जिसमें से एक मकसद ये है कि ये वक्त फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होने का वक्त होता है रात के फरिश्ते फजर के वक्त वापस जाते हैं दिन के फरिश्ते आ जाते हैं असर के वक्त दिन के फरिश्ते जाते हैं और रात के फरिश्ते वापस आ जाते हैं ये दोनों नमाजें फजर और असर की नमाज फरिश्तों के लिए तब्दीली का वक्त रहता है हदीस में आता है कि जब फरिश्ते रात के फरिश्ते सुबह में जाते हैं फजर के वक्त में अल्लाह तरिश्तों से पूछता है कि तुम हमारे बंदों को किस हाल में छोड़ कर आए हो कहते हैं आय अल्लाह मैं तेरे बंदों को इस हाल में छोड़ कर आया हूं कि वो तेरे सामने खड़े होकर के तेरी इबादत कर रहे थे फजर की नमाज और जब असर की नमाज का वक्त रहता है तब्दीली का वक्त रहता है तो अल्लाह तबारक वाल असर के फरिश्तों से पूछता है बताओ तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ कर आए कहते हैं आए अल्लाह तेरे बंदों को इस हाल में छोड़ कर आए कि वो तेरी इबादत में लगे हुए थे मेरे भाइयों हमारे नाम आमाल अल्लाह के सामने इस हाल में पेश किए जाएं कि हम नमाज की हालत में हों और फरिश्ते हमारे ताल्लुक से अल्लाह को गवाही दें इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूस असर के ताल्लुक से फरमाया कि जिसने जान बूझ करके असर की नमाज छोड़ दी उसका सब कुछ बर्बाद हो गया सब कुछ बर्बाद हो गया असर की नमाज खुसूसी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलात अल फी फरमातरी जो शख्स अल्लाह के लिए फजर की नमाज पढ़ता है जमात की पाबंदी के साथ वो अल्लाह के जिम्मे आ गया अब अल्लाह उसके जान की माल की इज्जत आबरू की हिफाजत करेगा वो अल्लाह के जिम्मे है अल्लाह के मातहत में है अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा फजर नहीं पढ़ने वालों हमारी इज्जतें कैसे महफूज रहेंगी फजर छोड़कर सोने वालों आज हमारे ऊपर जो मुसीबतें और परेशानियां आई हैं और आज, आज हमारी इज्जतों के साथ जो खिलवाड़ हुआ रहा है और हमारी मीशत तबाहो बर्बाद हो रही है इसके बहुत सारे इसबाब हैं जिसमें से एक सबब सब है कि हम फजर की नमाज छोड़कर सोए रहते हैं हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारो को हमें यूं ही देता रहे मेरे भाइयों हमने अल्लाह से अपने रिश्ते को कितना मजबूत किया और वो हदीस भी हमारी निगाह में रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स जो है वो लेटा हुआ है और एक 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 दूसरा शख्स पत्थर का भारी पत्थर लेकर के उसके सर को खुचल रहा है मारता है उसका सर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे मारता है बीच में उसका सर रहता पूरा चटनी हो जाता है अल्लाह के नबी से असलम पूछते हैं ये कौन है ये कौन है जिसको इतनी सख्त सजा दी जा रही है जबरील बताते हैं कि है अल्लाह के रसूल ये वो शख्स है जो फजर की नमाज को छोड़ कर सोया रहता था जमातों की पाबंदी करो जमात के साथ नमाज पढ़ो पंच वक्ता नमाजों का अहतमाम करो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ो फजर और असर खसूसी तौर पर यह जमातें छूटने ना पाएं इसलिए कि इनकी फजीलतें बहुत ज्यादा हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर इन नमाजों को जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया है और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक वाली ने मुतद मकाम पर इन दोनों नमाजों की अहमियत को उजागर किया है इस तलुक़ से सबसे अहम बात जो लोग फजर जो लोग फर्ज नमाज छोड़ते हैं या सुस्ती करते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम की वो हदीस जो सही मुस्लिम की है आपने फरमाया जब नमाज का वक्त होता है मैं ये चाहता हूं कि लोगों से कहूं कि वो लोग नमाज पढ़ लें और किसी एक आदमी को मुतय्यन कर दूं जो उनको नमाज पढ़ा दे अल्लाह के नबी नबीम का एक एक जुमला सुनो जब नमाज का वक्त होता है मैं ये चाहता हूं कि मैं लोगों को हुक्म दूं कि वो नमाज पढ़ने एक आदमी उनको नमाज पढ़ा दे और उसके बाद मैं नौजवानों की एक जमात को लेकर के निकलूं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो लोग जमात छोड़कर अपने घरों में बैठे रहते हैं आप सोचिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने उन लोगों के घरों को जलाने का इरादा किया जो लोग जमात छोड़कर घरों में बैठे रहते हैं बेनमाजी नहीं है नमाज पढ़ते हैं लेकिन जमात छोड़ते हैं जमात में सुस्ती करते हैं जमात में हाजिर नहीं होते हैं प्यारे नबी ने फरमाया मैं चाहता हूं उनके घरों को आग लगा दूं अब हम में से कितने लोग बैठे होंगे जो जमात छोड़कर अपने घरों में बैठे रहते हमारे नबी ने घरों को जलाने का हुक्म दिया मेरे भाइयों कबल इसके कि अल्लाह का बड़ा जाब आ जाए हमें अपनी इसलाह कर लेनी चाहिए हम दूसरों पर तोहमतें तो देते हैं लेकिन हम अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करते हैं जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे मेरे भाइयों अल्लाह की मदद हमें मिलने वाली नहीं है जमात की पाबंदी का एहतमाम करें वह लोग जो जमात छोड़कर आते हैं और एक के बाद दूसरी और दो के बाद तीसरी जमाते बनाते रहते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए आप दसियों जमात बना लें, जमात का जो सवाब है उससे महरूम है हर नमाज के लिए एक वक्त मुतयन किया गया है बोर्ड लगा रहता है फजर जोहर असर मगरी बेशा तमाम नमाजों का वक्त मुतयन है सबको मालूम है उसके बावजूद भी मोजिन अजान देता है उसके बावजूद भी अगर वक्त में तब्दीली हुई तो एक नमाज की तब्दीली के लिए पांच वक्त ऐलान किया जाता है इसके बावजूद भी अगर हमारी जमातें छोड़ रही हैं इसके बावजूद भी अगर हम घरों में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें नमाजों से दिलचस्पी नहीं है इसका मतलब यह है कि हमें जमातों से दिलचस्पी नहीं है इसका मतलब यह है कि हम जमात को कोई अहमियत नहीं देते हैं और मेरे भाइयों जब हमारा हाल यह हो जाए तो और बर्बादी से कोई बचाने वाला नहीं है हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को जमातों की पाबंदी के साथ मस्जिद में हाजिर होकर के इमाम की इतदा में अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए अल्लाह हम सब की ख़ताओं और गलतियों को माफ़ फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तकबल मन्ना इन न कांत व उलिम वतुबलैना कांत तो तवाबर्रहीम बे रहमति का या अरहमर राहमी नाम